और बच्चों कैसे हो? आवाज आ रही है? हाँ सर। बुरी हालत है। अभी जो क्लास थी, अभी लेट खत्म हुआ क्या? 15 मिनट से तो बैठे हैं, कब चालू होगा? अच्छा, और हम भी ना इधर 15 मिनट से ही बैठे हैं। तो मुझे लग रहा था कि लास्ट क्लास थोड़ा डिले हुआ होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, भटक ज्यादा नहीं, रहा दो है। तीन मिनट अच्छा, ओ फिर तो कमाल है, ठीक ही है, कोई बात नहीं, हमारा जो पार्ट है हम करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत तेजी से क्वेश्चन करते जाते हैं। आप लोग जल्दी से एनर्जेटिक हो जाइए और शुरू हो जाइए, बताइए। और नई चीज हम सीखने के लिए, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन में नया आपको मिलता ही रहेगा। आज देखते हैं आपके भाग्य में क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। 1 + 2x² मैनिपुलेशन से बनेगा। मैनिपुलेट करो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में, बस हो गया। ये इसको इंटीग्रेट करना है। 1 + 2x² / x² 1 + x² कैसे करेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते अक्षय, आप तो अक्षय हो गए, अक्षय कुमार, कभी दिखाई नहीं देते, बिजी हो शूटिंग वूटिंग नहीं, वो अभिषेक सर को भी पता, मेरे बार बार पासवर्ड मांग रहा था मीटिंग और मुझे में। आज की पासवर्ड ही बात नहीं नहीं, पता था। आज की बात नहीं, हमेशा की बात हो रही है बच्चे, बच्चा आज की बात को मत बोलो। ये थर्सडे फ्राइडे नहीं हुआ, ऐसे आप बहुत वो एबसेंट रहते हो पासवर्ड आजकल। की वजह से ही, वो अभी से सर को पता ओके, तो वो तो तुरंत रिजॉल्व हो जाता है वो, इसका भी सो है। वो बताए ही अभी नहीं, से। उनको भी नहीं पता था। अच्छा चलो फिर तो ठीक है, उनकी गलती है तो क्या कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने, इसको करना है इंटीग्रेट, कैसे करें सोचिए। नहीं हुआ, देखिए इसको मैनिपुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे 1 + x² + x² / x² into 1 + x² dx। अब यहाँ पे हो गया इसके आगे, ये है 1 + x² x² 1 + x² कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1 / x², फिर x² से x² कैंसिल, ये हो गया 1 / 1 + x², ये है dx, ये भी dx, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x पे पावर -n+1/n+1 हो गया आंसर, प्लस प्यारा सा सी। करिए करिए ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रेशन ऑफ sin cos 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 ही है सर। अच्छा देखिए, sin x cos 2x cos 4x cos 8x dx, इसको इंटीग्रेट करना है।
क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, साइन टू एक्स बाई टू, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे कॉस टू एक्स जो ये वाला, फिर आ जाएगा कॉस फोर एक्स ऐसे करके, फिर ये हो जाएगा साइन फोर एक्स बाई टू, फिर यहाँ पे कॉस फोर एक्स, ये बन जाएगा साइन एट एक्स बाई टू, फिर यहाँ पे कॉस एट एक्स पहले से है, ये बन जाएगा साइन सिक्सटीन एक्स बाई टू। अभी तक आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, सिर्फ आपने इतने बड़े को इतना छोटा बनाया, कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, 16 से डिवाइड भी होगा और साइन बन जाएगा कॉस माइनस के साथ प्लस कांस्टेंट आंसर। अरे आगे भी तो करना है, साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, बताइए। और एक और लिख देता हूँ मैं, आप में से जो भी आपको दोनों में आ जाए वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। टैन इनवर्स सेक एक्स प्लस टैन एक्स, मेरा पहला वाला हो गया। पहला वाला शायद आपने ये किया हो, x माइनस a को t मानोगे तो x हो जाएगा t प्लस a, इस तरीके से न्यूमरेटर में दिखाई देगा, x के साथ a ऐड कर दिया फिर a सबट्रैक्ट कर दिया। हाँ एक ही बात है, तो ऊपर हो गया sin t प्लस a और नीचे हो गया sin t, और यहाँ पे dx और dt सेम होगा क्योंकि x इज इक्वल टू t प्लस a है, यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो dx is equal to dt हो जाएगा, तो dx को dt से रिप्लेस कर सकते हैं। अब sin t plus a को आप ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, sin a into cos b plus cos a into sin b divided by sin t dt, इंटीग्रेट किया sin t कैंसिल हो गया, ये आ गया cos a plus cos t by sin t, ये हो गया cot t into sin a dt, cos a dt क्या हो जाएगा, cos a into t plus sin a यहाँ पे रहेगा, और cot t का इंटीग्रेशन, cot t का इंटीग्रेशन नीचे क्या होता है, नीचे होता है sin log sin x, क्या किया मैंने cos a into t और यहाँ पे sin a, और cot t का इंटीग्रेशन हो गया log mod में sin t plus constant, तो t cos a sin a log sin t plus c आंसर।
दूसरा वाला भी हो गया, क्या दूसरा वाला भी हो गया। दूसरा वाला भी हो गया, बिल्कुल होना ही चाहिए। दूसरा वाला क्या हो, कैसे करेंगे आप इसको सोचिए। इन्वर्स में है, टेन इन्वर्स है तो अंदर भी टेन चाहिए। और आप लास्ट क्लास में ही शायद ये हुआ था कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो आगे कैसे होता है, लाइक वन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, ऐसे कर करके आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाता है टेन समथिंग करके, टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर मिल जाता है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, आप याद कीजिए, याद कीजिए, क्या याद कीजिए, हमने जब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स किया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स था, तो यह आता था लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या ले लेंगे आप, ये ले लेंगे टेन एक्स बाई टू प्लस पाई फोर। वहां पे ऐसा हमने करके दिखाया था कैसे आता है, यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से इसको इसमें चेंज करने का जो है वो आपको अगर याद रहे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सिर्फ यहाँ पे टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर लिखेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे टेन इनवर्स टेन, टेन इनवर्स टेन क्या हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना इज नॉट डिफिकल्ट टास्क। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू और टू पहले से है, प्लस पाई बाई फोर इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आंसर। आगे बढ़ाया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एक नया टाइप का हम लोग अब करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, कुछ आपके मन में आइडिया हो, आपने पहले देखा हो कहीं, या अभी कुछ दिमाग में आ जाए तो अच्छा होगा।
ऊपर अगर साइन कॉस कॉस साइन ऐसा कुछ आ जाए तो एक साइन कैंसिल हो सकता है, तो या तो टैन या तो कॉट बन सकता है, और एक बार टैन कॉट बन गया तो इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ऐसा कीजिए, आप ऊपर लिखिए एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ये क्या है बेसिकली, एक्स एक्स गया और यहाँ माइनस ए प्लस बी है, तो बेसिकली ये बी माइनस ए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बी माइनस ए ऊपर और बी माइनस ए नीचे, किसी को कोई आपत्ति थोड़ी ना होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। और नीचे क्या है, साइन एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो अब क्या कर रहे हैं ना, अब हम ऊपर साइन लगा रहे हैं, मतलब बी माइनस ए लिख सकते हैं तो ऊपर नीचे, तो साइन बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये बी माइनस ए को ये भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और नीचे ये बेसिकली क्या है, ये है साइन बी माइनस ए है, इसी को इंटीग्रेट करना है। अरे क्या कर रहे हैं सर, समझ लो ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई, ये इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ लिखिए साइन बी माइनस ए, और यहाँ पे ये वाला जो पूरा है वो तो लिखना ही पड़ेगा, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसको आगे बढ़िए बढ़ाइए, साइन एक्स माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत तकलीफ है जिंदगी में सर, ये वाला बताइए। अच्छा, ये आप खुद से अज्यूम किए हैं x माइनस a माइनस x माइनस b। हाँ, अब पूरा देखो ना, फिर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि हम भी ऐसा सोच सकते थे, हम ऐसा अज्यूम कर सकते थे। साइन b माइनस a को एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पे साइन x माइनस a साइन x माइनस b। अब क्या फायदा हो रहा है, साइन x माइनस a कैंसिल, यहाँ से साइन x माइनस b कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे सिर्फ बचेगा cos by sin। ये साइन तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी हो जाएगा कॉट एक्स माइनस बी, माइनस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी कैंसिल, कॉस बाई साइन ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया, डी एक्स लगाया, यहां पे लिखा वन बाई साइन बी माइनस ए। अब आप कॉट का इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे, कॉट का इंटीग्रेशन तो आप कई बार पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 1 बाई साइन बी माइनस ए, और कॉट के लिए आप क्या लिखेंगे, लॉग साइन, और यहाँ भी लॉग साइन, तो लॉग साइन एक्स माइनस बी बाई साइन एक्स माइनस ए हो गया। प्लस कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे, ऐसे एक पैटर्न ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देता हूं जिसमें नीचे साइन साइन हो, नीचे कॉस कॉस हो, ऐसा अगर नीचे यहाँ पे कॉस कॉस भी रहता तो क्या होता, ये कैंसिल होता, यहाँ से ये बनता है ना, ये कैंसिल, मतलब ये कॉस से ये कॉस कैंसिल होता, यहाँ पे टैन बन जाता। तो करना यही है, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए या एक्स माइनस ए, ये चीज ध्यान रखिए क्या किया गया है। एक और क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा, काम खत्म तब मजा आएगा, तब अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में क्वेश्चन लिख देता हूँ, और ये आप कॉपी कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी।
कैसे करेंगे? सेम काम कीजिए, आप लोग आराम से कीजिए इस क्वेश्चन को। बताओ जी, बताओ बताओ। वापस से 1/cos b - a से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में cos b - a dx/, ऊपर से ऊपर में कॉस करना चाहती हो तो तो उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, उससे देखो करके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज भी मेरे को समझाना है। आप देखो कॉस करके क्या नुकसान हो रहा है। आप लोग करो, काम करोगे तभी होगा। देखो जैसे कॉस कॉस है नीचे, कॉस कॉस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉस ही लगा देते हो, कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी और साथ में बी माइनस ए नीचे कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी से वो कैंसिल होगा। आप इमेजिन करो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू साइन बी और डिवाइड करेंगे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी से, क्योंकि दोनों में डिवाइड हो रहा था, तो दिस विल बिकम टैन। इसका तो इंटीग्रेशन कर लोगे बड़ी आसानी से, टैन ए इंटू टैन बी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन करने फिर से मुश्किल काम। तो आपको ये समझ में आया कि कॉस लेने पर हो रहा है पंगा, एक तरफ पूरा कैंसिल हो रहा है और एक तरफ दोनों में से कोई कैंसिल नहीं हो रहा, एज इट इज रह रहा है, तभी वो टेन बन रहा है। अगर हम ऐसा करें कि एक कैंसिल हो, एक रह जाए, अगली बार दूसरा कैंसिल हो, पहला रह जाए, तो हमारा काम बन रहा था। तो हम यहाँ पे कॉस इसलिए नहीं लेंगे। साइन लेने पे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, तो एक कैंसिल होगा हर बार में, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी 1/cos b - a, और इसको नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब कॉस से कॉस कैंसिल, ये हो गया साइन एक्स माइनस, एक सेकेंड, हाँ कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल, ये हो गया टेन एक्स माइनस ए, आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, और साइन से कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल, ये हो गया टेन एक्स माइनस बी, दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, काम कहानी खत्म। नेक्स्ट लिखिए साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, नीचे इस बार अलग अलग है,
अब आपको ऊपर क्या लेना चाहिए ये सोचना है। बताइए जल्दी क्या लेना चाहिए, साइन या कॉस? सोचो बताओ। साइन लेते हैं। साइन लेने पे फिर साइन इनटू कॉस भी कट जाएगा, एक वन आ जाएगा और दूसरे में टेन और कॉट बन जाएगा, टेन एक्स माइनस ए कॉट एक्स माइनस बी। तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे जैसे अभी फंस रहे थे आप? ऐसे करके लेके देखो, साइन लेके देखा नहीं हुआ तो कॉस लेके देखा। कॉस में क्या होता है, यहाँ नहीं फंसोगे। कॉस इंटू कॉस भी एक खत्म, साइन इंटू साइन भी एक खत्म, दूसरा हमेशा जिंदा रहेगा, एक ही खत्म होगा। ठीक है, dx sin एंड cos। तो समझ पा रहे हो ना क्या करना है, cos करना है, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और x माइनस बी और x माइनस ए कुछ भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, cos b माइनस ए। तो हाँ sin x माइनस ए cos x माइनस बी क्या होगा, ध्यान देना, cos a इंटू cos b, उससे एक कैंसिल हो जाएगा, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b डिवाइडेड बाय sin x माइनस a cos x माइनस b। तो ये cos x माइनस b से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया cot x माइनस a, फिर ये sin से ये sin x माइनस a से ये कैंसिल, ये हो गया tan x माइनस b। ठीक है, आप तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक आईआईटी में आया था क्वेश्चन, ये इसके बाद में लिख रहा हूँ, ट्राई कीजिए, जो अभी किया है उस पे ही बेस्ड है। एक सेकंड, ये लिखा हुआ है कोसेक, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर इंटू कोसेक थीटा प्लस एम पाई बाई फोर डी थीटा। ये सॉल्व कीजिए, प्रोसेस वही है अभी जो किया आपने।
कोसेक को पहले साइन बनाइए, तो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई देगा वो चीज, अभी थोड़ी देर पहले जो आप देख रहे थे, ये cosec x प्लस ए है ना, और यहाँ पे x प्लस बी है, बस ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। देखो मैं ही ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ लिखा इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा बाई साइन थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा फिर से साइन थीटा प्लस एम पाई बाई फोर, और ऊपर क्या था डी थीटा या वन डी थीटा। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस देखो आप, सबसे पहले थीटा यहाँ भी एम पाई बाई फोर यहाँ भी और यहाँ भी, माइनस पाई बाई फोर यहाँ पे है जो यहाँ पे नहीं है, डिफरेंस पाई बाई फोर का है, डिफरेंस है पाई बाई फोर का। तो अगर मैं ऐसा करूँ थीटा प्लस एम पाई बाई फोर माइनस थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर, तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया और एम पाई बाई फोर से एम पाई बाई फोर कैंसिल हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई फोर ऊपर रह गया, ठीक है, ऊपर रह गया प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे तो नहीं चलता ना, साइन लगाना पड़ता है। अब दिने दोनों साइन है यहाँ पे, तो आप क्या ऊपर कंसिडर करोगे, अगर ऊपर साइन है साइन भी आ जाए तो वहां बन आ जाएगा, दूसरे में कॉट आ जाएगा दोनों, तो हम चाहेंगे एक कैंसिल हो एक रह जाए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे ऊपर साइन लेंगे। तो साइन में इतनी बड़ी चीज, बेसिकली इतनी बड़ी चीज दिखाने के लिए, सच में ये क्या है, ये है साइन पाई बाई फोर, अच्छा, यानी कि रूट टू है, यानी कि आपको ये करना है। तो जो आपने ऊपर लिखा वो क्या था, साइन पाई बाई फोर यानी कि वन बाई रूट टू, रूट टू हो गया, और डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दीजिए वापस साइन थीटा प्लस एम, जो भी बड़ा सा है वो लिख दो। अब इसके आगे क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये ऐसे करके साइन साइन ये साइन अल्फा और ये बीटा मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस एम पाई बाई फोर, साइन ए इंटू कॉस sin into cos b minus cos a into sin b, डायरेक्ट ना कट ही कर देना चाहिए अच्छा रहेगा, लेकिन लिख लेते हैं cos theta plus alpha beta लिख लेते तो ठीक ही रहता, sin theta plus m minus 1 pi by 4, और डिनोमिनेटर में आप ध्यान रखो क्या है, क्या है भूल गए, आपने लिखा होगा, लिख देते हैं फिर से, sin theta plus m pi by 4 इंटू साइन थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर। अब यहाँ से एक बार ये कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे कॉट बनेगा, फिर यहाँ पे ये कैंसिल होगा, यहाँ पे फिर से कॉट बनेगा, और फिर आगे हमारा सॉल्व हो जाएगा, ढंग से कर लो आंसर आ जाएगा, कर लो इसको फेयर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं आज पूरी क्लास में, जिसमें डिनोमिनेटर में साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, साइन कॉस हो, ऐसे कुछ। ये कर लेना बाद में, मतलब हो गया, अब क्या बचा है यहाँ पे, कैंसिल, ये कॉट बन गया, कॉट का फिर डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन थीटा, तो ये हो चुका है बेसिकली, ऐसे बार बार क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए इसको भी छोड़ सकते हैं।
साइन 2x आप घर पे जरूर करना, और नहीं हो तो बताना। साइन x प्लस पाई बाई सिक्स, साइन x माइनस पाई बाई सिक्स, ऐसा लिखा हुआ है। साइन 2x, x प्लस पाई बाई सिक्स, x माइनस पाई बाई सिक्स dx, बताइए। अरे कुछ तो बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट, साइन टू एक्स को लिखेंगे साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स प्लस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, ये अल्फा बीटा की तरह मानो, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इसको साइन लिखना या क्या लिखना ये देखना पड़ेगा, क्योंकि साइन ले लेंगे तो हाँ ठीक है। तो ये हो गया साइन, अब नीचे भी लेना पड़ेगा ना साइन टू एक्स, नहीं कुछ नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि साइन टू एक्स को आपने ये लिखा है, आपने साइन टू एक्स को ये लिखा है, हम लिख सकते हैं नहीं सकते, लिख सकते हैं, लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में जो है वो देख लेते हैं, वो है साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स अल्फा और साइन बीटा, इसको अल्फा इसको बीटा मान लेते हैं।
ये हो जाएगा, इसके पहले भी जो क्वेश्चन किए थे उसको अल्फा बीटा मान के करोगे फटाफट हो जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस बीटा बाई साइन बीटा क्या बनता है कॉट बीटा, और ये क्या बनता है कॉस अल्फा कॉस, ये गया, ये बन गया कॉट अल्फा, इसको इंटीग्रेट किया और आंसर आ गया। तो क्या आया, मैं फाइनल निकाल देता हूँ, तो ये हो गया लॉग साइन बीटा यानी कि लॉग एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, लॉग साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, हाँ ठीक है, और प्लस लॉग साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स हो गया। तो अगर दोनों साइन को मल्टीप्लाई करें, ज्यादा जरूरत नहीं है, बस माइनस तो नहीं है बीच में, नहीं प्लस ही, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स प्लस सी साइन साइन को मल्टीप्लाई, ठीक है यही आंसर। तो ये भी उसी टाइप में आ गया जी। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक और काम कीजिए आप, ये लिखिए dx by 1 plus cos 5x कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, बताइए। ये रहना तो इसकी जरूरत नहीं है, कुछ तो अवस्था नहीं है, एक ही कीजिए अभी आप। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डीएक्स ऊपर, अब आपको दिख रहा होगा कि 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस यानी कि sec, sec स्क्वायर 5x बाई 2 dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है, tan 5x बाई 2 और 5 बाई 2 से डिवाइड, और हाफ तो रहेगा ही पहले से, तो क्या हो गया tan 5x बाई 2 बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट, खत्म। और बताइए कोई तकलीफ कोई दिक्कत, सब ठीक है ना, आपका नेक्स्ट क्लास है या नहीं है? 12 बजे नहीं है, 2 बजे। ओके 2 बजे हमारा है, मतलब किसी और टीचर के साथ अभी नहीं है आपकी क्लास? नहीं। चलो तो 2 क्वेश्चन और खाओ फिर। एक है ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 3x प्लस 7 पावर 5, सोचो कैसे करेंगे। अरे ये आप ये कैसे करेंगे, ये तो मुझे पहले ही देना था, जल्दी बताओ। जिसने लास्ट क्लास किया था हर्षिता और बाकी लोगों ने, शुभम शुभम है कि नहीं पता है। ये दोनों क्वेश्चन कीजिए फटाफट, नीचे क्वाड्रेटिक हो तो कैसे करते हैं मैं बता चुका हूं। यहां भी ब्रैकेट छूट गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए सिंपल है,
इसका ट्रिक मैंने बताया, बताते हो नहीं, बोलते हो नहीं, फिर बात है। चलो बताओ, 1/3 log x by 2 minus 1/3 log x by 2। माइनस को एक साथ ले आओ, log नीचे वाला। हाँ लो, माइनस को एक साथ लिख दो आंसर, फिर और अच्छा दिखेगा। और ऊपर वाला ट्राई करो, वो भी बहुत आसानी है। 1/3 log x by 2 वो मॉड में डिवाइडेड बाय x plus 5। बहुत अच्छा, ठीक है। आपने रिकॉर्डिंग वगैरह देखा था क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलता, जब भी मांगो नहीं मिलता। अच्छा, आज तक आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिला? खाली एक ही बार मिला, बाकी हर बार। रिकॉर्ड तो अभी भी हो रहा है, पता नहीं ये मतलब घर ले जाके उसका खाना भी ना खा लेते हैं क्या? क्या क्यों नहीं देते? हो गया। तो इसका बताओ क्या आएगा पहले? x है और 3x plus 7 है, तो x को ये रहने दिया और 3x plus 7, देखो ऐसा करेंगे 3x plus 7 को हम t मान लेंगे। तो 3x plus 7 को t मानने पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t minus 7 by 3। तो ये लिखा मैंने t minus 7 by 3 और 3x plus 7 को लिख दिया t। और dx क्या हो जाएगा? जैसे इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 3dx is equal to dt। तो dx क्या हो जाएगा? dt by 3। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है, 9 बाहर आ गया और t पे पावर 6 है, माइनस 7 t पे पावर 5 है। मेरा आ गया। हाँ, आप इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 9 तो है ही नीचे और t पे पावर 7 by 7 माइनस 7 t पे पावर 6 by 6। ये आंसर हो गया, बस हो गया, प्लस कांस्टेंट। अब t को रिप्लेस करो, वापस लिखो 3x plus 7, हो गया। तो इसमें क्या समझ आया कि जहां पे प्रॉब्लम है उसको सिंपल कर दो, सिंगल कर दो, इसको एक्सपेंड करना कितना मुश्किल काम था और ऐसे करने पे कितनी आसानी से हो गया। ऐसे और भी मिलेंगे आपको, कभी ऐसा मिल सकता है x into x plus 1 power 5। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x plus 1 को t मान लेंगे, फिर x की वैल्यू हो जाएगी t minus 1, ठीक है। तो फिर वही काम जो अभी किया आपने। तो इसका ध्यान रखना है कि पावर जहाँ पे हो उसको हम इस तरीके से रिड्यूस कर सकते। कितने लोगों का हो गया था ये? मेरा दोनों इसका हो गया था। ये ऐसे ही किया था आपने? हाँ। चलो फिर तो अच्छा है। इसका इंटीग्रेशन करने का मैंने आपको बता दिया था कि जब भी ये क्वाड्रेटिक का फैक्टर नीचे दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, ln छोटकू बटा बड़कू, जो छोटा होता है वो ऊपर, जो बड़ा होता है वो नीचे, प्लस कांस्टेंट, हो गया। और डिटेल में और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 3 वो यहां लिखते हैं, ठीक है। डिटेल में बता देता हूं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उसके लिए, x plus 5 minus x plus 2, ये ऊपर मैनिपुलेट किया मैंने, मतलब मैंने 3 लिखा ऊपर तो 3 नीचे भी लिखना पड़ेगा, और x plus 2 और x plus 5। फिर इसको आप लिखेंगे तो ये दिखाई देगा 1 by x plus 2 minus 1 by x plus 5 dx integration 1 by 3 ln x plus 2 ln x plus 5 प्लस कांस्टेंट, हो गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी के साथ। आप भी एनर्जेटिक रहो। चलो, सी यू, बाय।